सिंघिया में वोटर को जागरूक करने पहुंची जिला टीम। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत तुआरी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय जमुआ में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला टीम के द्वारा लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया है कि घर की चौखट लांग के वोट देने जाना है। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल कर सकते हैं। लोकसभा हिंदुस्तान के लोगों के ले एक महापर्व है, इसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेकर मतदान कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। चूँकि बताते चले कि यहाँ के ग्रामीण लोगों ने पिछले चुनाव में सड़क पुल की मामले को लेकर वोट बहिष्कार कर दिया था, आज भी उक्त बैठक में उपस्थित वे लोग बोल रहे थे कि कमला नदी में पुल का निर्माण नहीं किया गया है, पुल बनाने के बाद ही मतदान करूँगा। उक्त जिला टीम में जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी समस्तीपुर, सामाजिक कोषांग अधिकारी समस्तीपुर, रोसड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी, सिंघिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जीविका के अधिकारी लोग शामिल थे। वहीं ग्रामीण लोगों में पंचायत के मुखिया रामकृष्ण पंडित, माधव झा, जवाहर पासवान, शिक्षक कुमार केशव, दिलीप चौधरी के अलावे अन्य कई ग्रामीण लोग मौजूद थे। लोकसभा से लेकर विधानसभा पर आवाज उठाया था विधायक भी संसद भी, लेकिन संसद से बात हुई नहीं तो कह रहे मुख्यमंत्री के कोटा में पैसा ही नहीं है। हमारे तो कह रहे थे उनके कोटा में पैसा ही नहीं है कि पुल बने। दरभंगा के बीच में देखिए 2 किलोमीटर पर जो पुल है, 1 किलोमीटर पर पूछिए कल कौन स्थिति रोज टेंडर तो नहीं हुआ है सर, टेंडर होता है पेपर में आ जाता है। अरे धरावन कनी हमरा मोबाइल में धरे दो तो। नहीं है अब पीछे ना मार्ग मोहर हमारा बने के सरकार बुआरी पंचायत बना ललके हम सब मुठहर के तो घर बना बना रुपया ले ला घर बना ठग ललके हम कहते हैं नहीं हमें रुपया नहीं दूसरी बात कि जैसा कि सर ने कहा अभी
कि मतदान तो करना होगा, कारण कि ये तो आपका अधिकार है, ये वो अधिकार समझे। और केवल एक मुद्दा यही है, इसलिए सर एक दिन का मजदूरी हुआ 500 जाएगा, राजनीति का काम सब लोग करता है जाएगा 500। जब सरकार से कुछ फायदे नहीं है 500 रुपया गमाने लिखाए तो क्या फायदा है बताइए। मरने जा रहे हैं, पोता भी हेल के मर जाएगा। आप भी तो पहले विधायक जी का बात हम तो जब पटना जाएंगे विभाग में जाएंगे पता लगा और विश्वास मानते हैं। अरे कागज और नोट में क्या अंतर है? कागज है और वो नोट है, विश्वासी है वो नोट है। विश्वास तो हमें करना होगा। मास्टर जी सर जी बज गए ये स्कूल के मास्टर दो जनप्रतिनिधि जीत के जाता है वो उल्टा बोलता है तो आपके हम कैसे विश्वास करें? वोट मांगने तो आ जाएगा लेकिन हेल्प के भी आएगा। आवाज बनाते हैं सीओ साहब जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो विश्वास करते हैं कि नहीं? वहाँ तक तो विश्वास है सर, तो वहाँ तक विश्वास जो करेगा उसको लिए हाजिरे है। सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। आविष्कारी रहेगा, आविष्कारी रहेगा, आविष्कारी रहेगा, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि हम लोग सुने सर, सर हम लोग 5 साल पूरा सुन चुके हैं, पूरा 5 साल अब नहीं हो सकता है, आविष्कारी होगा। जैसे आप बनाना है बनाइए, आपका फर्ज है ना बनाना है बनाइए। आज आचार संहिता वगैरह पूरा 5 साल का हुआ पिछला चुनाव जी जी बिल्कुल पूरे 5 साल कहा गए सांसद यहाँ का है। उससे पहले हम लोग बनना चाहिए था ना आचार संहिता से पहले आपको बनना चाहिए ना। आज आचार संहिता आप एक बार नहीं 50 बार बोल रही सांसद विधायक आज जो समस्या आप 50 बार बोल दिए है जो आचार संहिता में नहीं हो सकता है हम भी जानते हैं। कोई आदमी नहीं जानता है, सब आदमी जानता है, लेकिन खुद परिस्थिति में परिस्थिति कब आचार संहिता आपका जरूरत हुआ? चुनाव का वोट क्या आपका जरूरत है? सर एक सेकंड हम लोग के मजबूरी थे पिछले पंचवर्षीय आविष्कार करना। इससे पहले कितने बार चुनाव हुई जीत गए MLA MP साहब, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए पिछले पंचवर्षीय हम लोग आविष्कार किए। अब भी ऐसी बात होगी तो हम लोग नहीं करेंगे वोट, नहीं करेंगे भले इसका संशोधन होना चाहिए यहाँ पे, जो इस बार हम लोग आपको सुन लेंगे फिर बना देंगे तब होगा, नहीं होगा कोई सुनवाई नहीं होगा। नहीं आए थे। आप कह के चले जाइए हम आपको वोट देंगे उसके बाद आप निश्चिंत, हम लोग निश्चिंत ऐसा नहीं होगा, हमको विश्वास दिलाना पड़ेगा तो हम लोग वोट देंगे, आपको विश्वास दिलाइए। बोल रहे थे तो आप वादा तो कम से कम जी जी कम से कम आप विश्वास दिलाइए। कुमार को हरा वो कहा चौधरी नीतीश कुमार को हरा तो दो बार तो बोलो भाई तुम जी बिल्कुल आप थे आपके पिताजी थे आपके चाचा जी यहाँ बन के हम लोग इतना ही सवाल करे थे आप कम से कम एक बार बोलिए गया नीतीश कुमार को हरा है बस इतना ही सब हम लोग उनको वहाँ से खदेड़ा सर गोदी में लेके उनको भागे गोदी में लेके भागे।
हम लोग कहा कि आप निष्पक्ष विकास के नाम पर एक बार वोट करके देखिए, आप लोग प्रयोग कीजिए। हमारा आग्रह है आप जो डिसीजन लीजिए उसके साथ आप बहिष्कार करेंगे तो बहिष्कार कीजिए। हमारा सर की ओर से आग्रह है, हम यही बोलेंगे कि एक बार विकास का नाम होना चाहिए। अभी जो जागरूकता किया गया था क्या है, कौन किस मामला था, क्या हुआ? मांग है सर, जब तक पुल नहीं होगा वोट नहीं करेंगे। का है वोट तो आपका अधिकार है। पुल के बिना हम लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, शिक्षा अथी यातायात का बहुत दिक्कत है। यातायात के वजह से हम लोग तो बच्चे लोग जो है पूर्व में भी तो वोट का बहिष्कार किया गया था। उसके बाद जो है हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, जो कि 8 महीने जो है बच्चे लोग जो है यहाँ जो है मौत के सिवा कुछ नहीं होता है। वोट देना तो आप लोगों का अधिकार है। हम लोग तो अधिकार को निभाते आ रहे हैं, जिनके हमारे माँ दादा जो है यहाँ जमीन पे जो है चले गए और अब हम लोग तैयार हुए हैं और हम लोग भी इसी तरह गलती करते जाएंगे तो फिर आगे को भविष्य को कैसे बनाएंगे हम लोग। हम लोग तो सरकार से कोई दूसरी मांग है, केवल पुल, उनके अलावा कोई मांग नहीं है सरकार से। क्या कहना है आपको जवाहर जी? कहना है कि जो इस समस्या को समाधान किया जाए, समय से पुल हम लोग का मांग है, मांग को पूरा किया जाए तो बाद हम वोट देने के हम लोग अभी संभव नहीं है। अभी तो आचार संहिता लगल है, अभी तो कोई काम भी नहीं हो सकता। हम लोग विभाग से मांगे हैं आप कुछ पत्र भी हम लोग को दिखाया जाए जो आगे इस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। पत्र दिखेंगे तो विचार करेंगे हम स्तरीय अधिकारी के दौरान आप लोगों को आश्वस्त कराया गया कि हम लोग आगे की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, तो क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? पूरा आश्वस्त किया है कि हम आपको पेपर देंगे, जो मुखिया जी का नंबर भी लिए हैं और पहले से जरिए या जैसे फोन जरिए पेपर देंगे, पेपर देंगे उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। विधायक जी या एमपी की माधव जी आपको क्या कहना? ये जो समस्या है सो अंग्रेज का समय से ये स्थिति बना हुआ है, अंग्रेज हट गया और यहाँ का जो है सो 5 गांव वाही पंचायत का जो स्थिति वस्तु है सो बहुत जितना कहा जाए बहुत कम है। आज 5 साल पहले भी यही एमपी का चुनाव में बहुत यहाँ का ग्रामीण हम लोग बहिष्कार किए थे पूरा, लेकिन उसके बाद भी 5 साल तक कोई देखने वाले नहीं थे। आज आचार संहिता लग गया, बार बार SDO साहब, जिला पदाधिकारी, BDO साहब सब बोल रहे थे कि बार बार एक ही बात को जो आचार संहिता में नहीं हो सके। तो पिछला साल हम लोग जब वोट को बहिष्कार किए उस समय में 5 साल में आचार संहिता नहीं था, तो आप लोग को भी देखना चाहिए। यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, जब भी कोई किसी का फोन किया जाता है, कहा जाता है, तो सांसद भी बोलता है जो देखते हैं होगा, नहीं हुआ। विधायक जी का यही बात है, मेरे बाबा जी तक से यही स्थिति में रहा है, आज तक हमारा बच्चा यही स्थिति में है। इस समय में जब नदी में पानी आ जाता है तो 6 महीना का ये स्थिति हो जाता है कि स्वास्थ्य और बच्चा स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत में, जितना दिक्कत 15 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है जी उस समय में। कितना डूबो इस हादसा में, एक बार 9 डूब के बच्चा भी मर गया, इसको भी देखने वाला कोई नहीं था। इससे विशेष बात क्या हम लोग अधिकारियों के द्वारा जो आप लोगों को आश्वस्त कराया गया, क्या आप लोग इससे आश्वस्त हैं? आचार संहिता की चर्चा की है, अगर ये पदाधिकारी पहले अगर आते तो आचार संहिता का तो कोई उपार्जन नहीं न करते। आज पदाधिकारी आकर क्या कहेंगे, हम लोग के बारे में क्या सोचे?
आज 5 साल पहले हम लोग वोट बहिष्कार किए तो उसके बाद ही आना चाहिए, उस समय में आचार संहिता नहीं था। जब जब चर्चा होता है आचार संहिता में ही चर्चा होता है, चर्चा इससे पहले करना चाहिए। अखन छेवाड़ी पंचायत में कमला नदी के पार 4 गोबर, 4 वार्ड में 80% हरिजन थे। ये हरिजन क्या होगा इसमें 4 वार्ड का लगभग 3-4 हजार बराबरी ठप्पना भे रहा। घर लियो मकान लियो हम सब मने वहाँ धरना प्रदर्शन दिलिए, लेकिन बी डी ओ साहब आज से करबते थे सब गरीब के सदा आर के देखे घर के हाल बेकार। डीलर लिया तो 100 वार्ड 4 तक में पोक डीलरे नहीं थे, 1-8 वार्ड 6 वार्ड में वहाँ 5 डीलर। इसके लिए आप लोग डीलर के लिए आप लोग कभी लिख के दिए हैं? सब लिख के बराबर चल जाए थे, कोई सुनवाई। अब तो मुखिया भी बन गए, अभी तो मुखिया बन गया फिर अब ये बन रहे हैं का 2 महीना में आज भी दिया, अभी भी दिया लिखित रूप में प्रशासनिक स्वीकृति भइल है बीडीओ साहब, लेकिन इस बार के बजट में हुए हैं तो इसका फंड दिया है। एक बात हमारे विधायक ने 14 बजे।